बीते दिन हुए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में चंडीगढ़ युवा कांग्रेस ने पंजाब सरकार द्वारा मूसेवाला की एक दिन पहले सुरक्षा कटौती पर आम आदमी पार्टी मुख्यालय चंडीगढ़ का घेराव करा और गिरफ्तारी दी। इस मौके पर युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष दीपक लुबना ने कहा कि इस हत्याकांड में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला पर हमले से एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी। सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में पहले काफी जवान तैनात रहते थे, लेकिन एक दिन पहले उसे घटाकर दो सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का फैसला लिया। दीपक लुबाना ने कहा, मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। उन्होंने लिखा, हम इस घटना में न्याय चाहते हैं। हाई कोर्ट के जज की अगुवाई में जांच सीबीआई या एनआईए को दी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष जानू मलिक ने कहा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। वहीं जिला 2 के अध्यक्ष धीरज गुप्ता ने कहा कि जिन अधिकारियों ने सिक्योरिटी हटाने की सूचना फैलाई है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इस मौके पर महासचिव विनायक बंगीय, कवाल प्रियत सिंह, संजीव कुमार गुड्डू, नियत राम, शानू खान, विकास खान, शिवम शर्मा, अमित मंजूर, दीपक जायसवाल, दैनिश अली आदि थे। सरकार की जिम्मेदारी है हमारी रक्षा करना भी और आपकी भी। क्या वो दो लोग अगर साथ नहीं गए तो वो क्या उनसे मेरी डीजीपी साहब का ये बयान आपको अच्छा लगता है? वो दो लोग साथ ही गए, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है तो उनका आम आदमी पार्टी ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।